अस्सलाम वालेकुम और सबको मैं वेलकम कहता हूँ। ये मेरा चैनल है टेक इन्फोमेनिया और मैं इस चैनल पे टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता हूँ। ज़्यादातर जो है मैं मोबाइल से रिलेटेड होती है, जिसमें मैं रूटिंग, कस्टम रॉम, इसके अलावा स्टॉक रॉम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। जनाब, आज मेरे पास Redmi 9T हो गया या Redmi 9 Power मौजूद है और मैंने इस पे कस्टम रोम फ्लैश किया है, जिसकी मेरे पास रिक्वेस्ट थी। और ये जो कस्टम रोम है, ये है Havok ऑपरेटिंग सिस्टम 4.6 वर्जन है, जो एंड्रॉयड 11 पर जो है 20 है। और बेहतरीन एक रोम मैं कहूँगा जो Redmi 9T हो गया या Redmi 9 Power के लिए है। तो जनाब, ये ऑफिशियल है Havok ऑपरेटिंग सिस्टम और मैंने इसे फ्लैश करने के बाद इसको मैंने इस्तेमाल किया है। मुझे इसमें कहीं पे लैगिंग या कहीं पे कोई बग्स का अभी तक सामना नहीं करना पड़ा है, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो या फिर आप डेली यूज़ के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो जनाब, सबसे पहले सेटिंग्स में जाके, अबाउट फोन में जाके देखते हैं कि ये कौन सा रोम है, किस वर्जन पर है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि एंड्रॉयड वर्जन 11, इस पर मैं टैप करूँगा तो मज़ीद डिटेल्स आपको नज़र आएंगे। एंड्रॉयड वर्जन 11 है Havok ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वर्जन है 4.6, 20 बैंड आपको नज़र आ रहा है। जनाब, Havok ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑफिशियल जो है डेवलपर्स पोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स के लिए। अच्छा जी, यहाँ आपको इस रोम में कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में जाएंगे सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलेगा अपने इसी कस्टम रोम को। आप जिस तरह चाहें इस सेटिंग्स में अपनी सेटिंग करके, इस सेट की सेटिंग्स करके इस रोम को जिस तरह आप चाहते हैं वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। लातादाद आपको यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशंस करने को मिलेगी, चाहे वो स्टेटस बार हो, क्विक सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जब आप रोम फ्लैश करेंगे तभी आपको सही मानों में पता चलेगा कि यहाँ पर आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बैटरी से रिलेटेड बात करेंगे, बेहतरीन वेल ऑप्टिमाइज बैटरी है इस रोम के साथ। जनाब, डेवलपर्स ने जो पोर्ट की जो टीम है Havok ऑपरेटिंग सिस्टम की, इन्होंने खुद भी ये बात बोली है कि बग्स बिल्कुल नहीं हैं। अगर कोई बग्स हो तो आप बताएं। जब इस तरह की बात करते हैं तो समझ ले कि वाकई में रोम जो है वो वेल मेंटेन है, ताकि अगर कोई बग्स आता है तो फौरन जो है ये टीम उस बग्स को रिमूव करती है और नेक्स्ट रिलीज जो है वो अपडेट फौरन जो है वो रिलीज़ करती है। शुरुआत करते हैं लॉक स्क्रीन से, जो कि फिंगरप्रिंट लॉक है, तो वो बेहतरीन काम कर रहा है। अगर आपने दोबारा, आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है जनाब। और गेम से रिलेटेड बात करें तो मैंने इसमें पबजी थोड़ी देर के लिए खेला है, तो पबजी से रिलेटेड जो है यहाँ पर जो इसका प्रोसेसर है अकॉर्डिंगली बेहतरीन काम कर रहा है। अगर आप ये रोम फ्लैश करेंगे तो उम्मीद है कि आपको भी कोई ऐसा लैग या कोई जो है बग्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जनाब, ओवरऑल मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो इस रोम की परफॉर्मेंस वाकई में बहुत अच्छी है Redmi 9T हो गया या Redmi 9 Power के लिए। Redmi 9T जो ग्लोबल है और Redmi 9 Power जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, चाहे वो डेली यूज़ की आपकी एप्लीकेशंस हो या अगर आप गेम डाउनलोड करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुश होंगे ये रोम फ्लैश करने के बाद। अच्छा जनाब, अब यहाँ सिम की बात करें तो दोनों सिम जो है वो डिटेक्टेड है, आपको नज़र आ रहा होगा, और मोबाइल डेटा भी टर्न ऑन है। फिलहाल वाईफाई चल रहा था, मैं वाईफाई को टर्न ऑफ करके मोबाइल डेटा एक बार आपको चला के दिखाता चलूँ। 4G प्लस जो है वो ऑन हो गया है, ब्राउज़र ऑन करके आपको ब्राउजिंग करके दिखा दूंगा ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि वेल वर्किंग 4G, ठीक है जनाब। अच्छा जी, जेस्चर जो है वो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जेस्चर की भी एक लिस्ट मौजूद है यहाँ पे। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर हम जाते हैं सिक्योरिटी में, यहाँ आपके पास एप्लीकेशन लॉकर भी मौजूद है, फेस अनलॉकिंग भी मौजूद है। आप अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉक भी कर सकते हैं, वो अगर आपने फिंगरप्रिंट के साथ लॉक लगाया है तो जब भी आप इसे ओपन करेंगे वो आपसे कोड मांगेगा, या फिर आप फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप जो है मज़ीद उसको यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट्स में एज़ यूजुअल आपके पास गूगल जो अकाउंट है वो आप लॉग इन करके यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्ले स्टोर से आप बाद में जितनी भी डाउनलोडिंग करना
चाहें वो इजीली हो जाती है। जनाब गूगल प्ले स्टोर से मैंने काफ़ी एप्लीकेशंस और गेम्स डाउनलोड किए हैं जो बिना किसी इशू के तमाम जो है वो इजीली डाउनलोड हो गए। और यहाँ एक बात आपको ये भी बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप जैसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ आपको मेन स्क्रीन पर वो दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर आपको आ रहा है आइकन ऑलरेडी बन जाएगा, डाउनलोडिंग आपको शो हो रहा होगा। अच्छा जनाब कॉलिंग की बात करें तो कॉल आप अगर मिलाते भी हैं तो आपको कोई डिस्टरबेंस जो है वो महसूस नहीं होगी, चाहे वो आप हो या सामने सेकंड पार्टी। इसी तरह अगर आप मैसेजिंग एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ आपके पास कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस वक्त अपडेट आ चुकी है, साथ साथ में जो भी अपडेट होगी फौरन ये आपको जो है पॉपअप देगा, इन्फॉर्म करेगा कि आप अपडेट आई है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। जनाब ब्राउज़र में गूगल क्रोम हो जाए या ओपेरा मिनी हो जाए या ओपेरा हो जाए या कोई से भी ब्राउज़र हो, आप यूज़ कर सकते हैं इस रोम के साथ। जनाब टेलीनॉर जो मैंने एप्लीकेशन अभी डाउनलोड की आपके सामने डाउनलोड हो गई है जी। और जनाब अगर आप स्वाइप राइट करेंगे तो आपके पास यहाँ एक लिस्ट मौजूद है जहाँ आपको अपडेट्स जो है वो रोज़ाना की मिलती रहेगी कि क्या क्या अपडेट्स इस वक्त चल रही है आपके मुल्क में अकॉर्डिंगली। जनाब कैमरे से रिलेटेड बात करें तो जो MIUI का कैमरा है वैसा कैमरा तो खैर नहीं है, लेकिन बहरहाल रोम के साथ जो आपको मिल रहा है वो भी बुरा नहीं है। पिक्चर साइज़ अगर आप देखें तो 12 मेगापिक्सल आपके पास मैक्सिमम यहाँ मौजूद है। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी वही है जो कि MIUI रोम में होती है। वीडियो क्वालिटी आपके पास फुल HD रेजोल्यूशन में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग अगर आप देखें तो बेहतरीन, अगर आप देखें तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ओपन है लेकिन यहाँ पर कोई लैग नज़र नहीं आ रहा है। आपको यहाँ मिल जाता है ऑप्शन स्क्रीनशॉट का, क्लियर ऑल का और शेयर का जो है वो आपको ऑप्शन मल्टीटास्किंग में शो हो जाता है जी। और जनाब अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड है या मोबाइल डेटा ऑन है तो आप स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में जब जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट आपको पास नज़र आएगी जो कि कैटेगरीज वाइज है, और अगर आपने एक किसी भी जगह पे टैप किया तो मज़ीद आपके पास और भी वॉलपेपर्स नज़र आएंगे जिसे आप जो भी मनपसंद वॉलपेपर आप सेलेक्ट करके उसे आप लॉक स्क्रीन पे रखना चाहें या डेस्कटॉप वॉलपेपर पे रखना चाहें तो आपके पास एक काफ़ी सारी सिलेक्शन यहाँ मौजूद है। तो जनाब अगर ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, इस Havok ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 4.6 वर्जन है और ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है Redmi 9T और Redmi 9 Power के लिए, तो ये एक बेहतरीन रोम है। और अगर आप इसे फ्लैश करेंगे तो डेली यूज़ के लिए बेहतरीन है। इसे आप यूज़ करते हुए आपको कहीं पे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये हट कर चीज़ आपको नज़र आएगी। अगर आप MIUI रोम से बोर हो गए हैं और आप गूगल बेस रोम पे जाना चाहते हैं तो रोम फ्लैश करके एंजॉय करें अपने Redmi 9T या Redmi 9 Power। इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।